स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीमा चौहान में। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग, होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज आपको मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। और गाइज अभी जो है अपना ब्लॉग जो हूँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने रूम से, तो देख सकते हैं। तो अभी आज जो है मौसम जो है वो हो गया है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो 2-3 दिन जो है वो बारिश बताई हुई है। तो मुझे लग रहा है इस बार जो लोहड़ी होगी तो वो बारिश में ही जाएगी। तो अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ हीटर के पास, तो अभी जो है यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि जो मेरी देवरानी है वो गई है हॉस्पिटल, तो सभी उसके साथ ही गए हुए हैं। तो आज है उसका अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं आज क्या आएगा। तो रिपोर्ट अच्छी ही आनी चाहिए, और थोड़े से उसके टेस्ट वगैरह हैं जो लास्ट मंथ में होते हैं। तो अभी जो है उसको 9 मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो अभी जो है बहुत ही जल्द फिर आपको खुशखबरी आने वाली है, तो बहुत जल्द फिर बताएँगे आपको। तो अभी जो है बाहर का मौसम मैं दिखा देती हूँ आपको, तो मौसम आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको मौसम। गाइज मौसम तो आपने देख लिया, तो मौसम हो गया है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। तो लग रहा है कि बारिश जो है वो आज आ ही जाएगी, पर कल तो बारिश बताई हुई है, तो अभी पता नहीं है कि बारिश होगी या नहीं। पर कल तो मुझे लग रहा है 2-3 दिन बारिश बताई हुई है, तो ठंड भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब तो गाइज फिर आज मेरे पास जो है वो कोई कंटेंट नहीं था, तो तब करके फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग सा कर देती हूँ। तो आज मैं दिखाऊंगी अपनी साड़ी और जो मेरा लहंगाज है, तो उसकी आज कलेक्शन बताऊंगी मैंने कहाँ से लिया था और कितने का लिया हुआ है, और मेरी जो शादी के टाइम की जो साड़ी थी वो कैसी थी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो अभी निकालती हूँ मैं और दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैंने निकाली नहीं है, वो निकालनी पड़ेगी, तो फिर मैं दिखाऊँगी आपको कि जो कैसी थी मेरी जो साड़ी है शादी के टाइम की, और मैंने अपने देवर के शादी के टाइम में जो लहंगा डाला हुआ था वो भी मैं दिखाऊंगी। तो जो मतलब ससुराल की तरफ से मुझे साड़ी मिली हुई थी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और अभी दिखाती हूँ मैं। तो चलते हैं फिर अपने रूम में। तो देख सकते हैं ये है मेरा रूम, जो ये देखिए आजकल तो सर्दियों में ऐसे ही बिखरे होते हैं रूम सारे, पर गर्मियों में जो होती है साफ़ सफाई ज़्यादा होती है। तो अभी जो है मुझे निकालनी पड़ेगी अपनी साड़ियाँ, तो अभी निकालती हूँ मैं फिर दिखाती हूँ आपको। गाइज आपको साफ तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे, क्योंकि जो कैमरा है मेरे पास जो फ़ोन है तो उसके लिए मेरे पास कोई हैंडल नहीं है उसको सेट करने के लिए, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको सेट किया हुआ है। तो अभी दिखाती हूँ मैं, सबसे पहले दिखाऊंगी अपने जो ससुराल से मुझे साड़ी मिली थी, तो सबसे पहले वही दिखाऊंगी मैं। तो गाइस जो ससुराल से मुझे साड़ी मिली हुई थी तो वो कुछ इस तरह से है, ये देखिए ये देखिए। तो इसको जो है वो स्टिच पहले ही कर दिया था, तो देख सकते हैं यहाँ से ये देखिए ये स्टिच करी हुई है। तो मैं आपको फिर बाद में पहन के भी दिखाऊंगी कि ये कैसी लगती है, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये साड़ी जो है वो कैसी लगी, ये देखिए। और ये जो है इसका प्लेन जो है इसका ये पल्ला है, ये देखिए ये देखिए। और इसकी जो पट्टी है वो कुछ इस तरह की है, ये देखिए। अभी जो सेकंड साड़ी है वो मैंने ली थी अपने मायके की तरफ से, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो है ये वाली साड़ी, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और ये मैंने लहंगा साड़ी बनवाई थी जो लहंगा टाइप में होती है, तो ये देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग जो है वो कुछ इस तरह से हुई है लहंगा टाइप में।
तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी कुछ इस तरह की है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और इसकी जो पट्टी है वो कुछ इस तरह की है, ये देखिए। जो यहाँ से है वो इसका कलर जो है वो कुछ इस तरह का है, पर जो इसका पल्ला है तो पल्ला का पल्ला जो है इसका जो है ऑरेंज रंग का है। ये देखिए, ये देखिए, पूरा ऑरेंज रंग का है ये। तो आपको ये वाली भी साड़ी कैसी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी जो है हमारा लहंगा ये है जो कि वाइन रंग का है, तो आपको पता नहीं कैसा दिख रहा होगा पर ये वाइन कलर है। ये देखिए, थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। और ये भी कुछ इस तरह का है, ये देखिए, ये देखिए। और इसके साथ है ये दुपट्टा, ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा। और अभी जो है अभी मैं एक एक करके आपको जो है वो सारी जो है पहन के दिखाऊंगी कि वो कैसी लग रही थी। तो अभी जो है सबसे पहले जो है पहनूंगी मैं, देखते हैं कौन सी पहनेंगी। तो अभी दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में। जो है वो फोन पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है तो तब करके भी प्रॉब्लम आ रही है, ये देख सकते हैं आप। तो आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मैंने कोई मेकअप वगैरह भी नहीं किया है, तो जिससे थोड़ा अच्छा और लगे, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, थोड़े से ये डाल लिए और कुछ नहीं है। तो अभी जो है आप बताइएगा कि आपको ये साड़ी जो है वो कैसी लगी। देख सकते हैं दूसरी साड़ी जो है मेरी वो है कुछ इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए। तो आपको मेरी कलेक्शन जो है वो कैसी लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैंने इसका ना ब्लाउज चेंज नहीं किया, तो ब्लाउज मैंने वही पहना हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंस है इनके ब्लाउज में, इसमें थोड़ी सी वो पट्टी लग गई है ना दूसरी साड़ी की, बाकी सेम ही है, यही कलर है, ये देखिए। तो आपको कैसी लगी हमारी साड़ी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ये देखिए।
है वो है मेरी ये लहंगा। तो देख सकते हैं लहंगा मुझमें कैसा लग रहा है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी जो है वो कलेक्शन जो है वो कैसी लगी। तो अभी देख सकते हैं ये है मेरा लहंगा, ये देखिए, ये देखिए। तो अभी पूरा कैसे दिखाऊं मैं, मेरा जो झुमका है, झुमका वो गिर गया है क्योंकि मैंने इसको ऐसे ही लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है मेरा लहंगा। तो आपको मेरा लहंगा जो है वो तो ये है मेरा लहंगा जो है बहुत ही महंगा। तो आपको कैसा लगा ये देखिए। तो अभी ऊपर से कैसे दिखाऊं मैं, ये देखिए ऊपर से कुछ इस तरह का है ये, और इससे ऊपर मैं जा नहीं सकती। कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे कर देती हूँ, आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँगी। तो कलेक्शन के बारे में मैंने आज आपको बताया, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर देती हूँ। तो अभी जो है के लिए फिर बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं अपने फैमिली हैं उनमें शेयर कीजिए। तो अभी के लिए फिर बाय बाय।